अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे कि 2024-25 के सीज़न के लिए आप कौन से बाल लगा सकते हैं अभी। तो क्योंकि अभी जैसे पोजीशन है, इस हिसाब से हर बंदा ही टेंशन परेशानी में पड़ा हुआ है कि अब क्या करें और कौन से बाल लगाएं, बाकी किसी को समझ ही नहीं आ रही है। तो सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, इसमें टेंशन लेने वाली बात कोई नहीं है। करें अपने दिल की, सुने किसी की भी नहीं। जो नफ़ा होना है तब भी आपको होना है, नुकसान होना है आप तब भी आपको ही होना है। तो मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं अपने जहन से अपने हिसाब से बता रहा हूँ। कोई ऊंची नीची ये बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं है कि ये कर लें वो कर लें जी, पेल फैल लगा लें, डन फैल लगा लें, ये कर लें वो कर लें जी। भाई वो पैसों वालों की बात है, वो हम जैसे छोटे ब्रीडरों के लिए नहीं है। साफ जो बात आती है, तो उसमें जो न्यू फैंसियर है, जो अगर इस फील्ड में आना भी चाहता है, जो सोच रहा है कि शौक उसको है अभी बड़ सस्ते होने की वजह से वो सोच रहा है कि यार अभी लगा लेते हैं, तो फ्रेंड्स यही बात आ जाती है। फिजिबिलिटियाँ तो आपने बहुत देखी होंगी, अभी रेट का हिसाब भी देख लें और दाने का भी हिसाब देख लें, तो उस हिसाब से आप चलें। तो मेरे हिसाब से 2-3 पेयरिंग जो है बेस्ट हैं अभी अगले सीज़न के लिए। एक तो ये है, आप कोशिश करें कि पार ब्लू जो है इसको आप टेस्ट करें, मेरे हिसाब से बहुत ही बेस्ट है। क्योंकि आपको 4-5 हज़ार में अभी जो है स्प्लिटिनो का पीस मिल रहा है, और पेयर अगर मिल रहा है 8 से 10 हज़ार का पेयर मिल रहा है, तो फ्रेंड्स इसका ये आपको पता है अगर स्प्लिटिनो हुए तो फिर आपको ये आगे जो है क्रीमिनो भी निकाल के दे सकते हैं, डेकिनो भी निकाल के दे सकते हैं। तो वो अगर निकाल देते हैं तो वो अगर वो सस्ते रेट भी हुए 8-10 हज़ार का भी हुआ तो आपके पैसे डबल ट्रिपल हो जाने हैं। तो दूसरा जो फ्रेंड्स जो भाई लोग आगे मेरी तरफ फिशर लगा के बैठे हुए थे, उनके लिए यही है कि अभी फिशर से थोड़ा सा ऊपर मूव कर जाएं। माना कि अभी सस्ता है फिशर, अभी बेचने का भी दिल नहीं करता है, खुद 3500-3500 4-4 हज़ार का पेयर लिया हुआ है, तो अभी 1500-1800 या हद होगी 2000 में कैसे सेल कर ले। लेकिन ये है कि वक्त के साथ चलना पड़ता है, तो अभी आप उनको निकाल दें तो अभी आपको 2000 में अल्बाइनो ब्लैक का एक पट्टे मिल रहे हैं। तो आप कोशिश करें कि फिशर की बजाय आप अल्बाइनो ब्लैक आई में मूव कर जाएं, तो वो भी आपको नुकसान नहीं देगा। क्वांटिटी में लगा लें तो जिस तरह फिशर की आप कॉलोनियाँ बनाते हैं, इसी तरह अल्बाइनो ब्लैक आई की कॉलोनियाँ बना लें, तो उसमें भी ये है कि फ्रेंड्स बचत है। क्योंकि 10 बच्चे तो आपको ब्लैक आई बन लें, 10 बच्चे आराम से आपको दे जाता है सीज़न में। तो 10 बच्चे आपके अगर फिर भी 2-2 हज़ार के हिसाब से भी बिकेंगे, 20 हज़ार के बिक जाएंगे, 8 से 10 हज़ार आपका साल में वो पेयर खा जाता है, तो फिर भी डबल बचत है। 1 लाख लगाएंगे तो आपको 2 लाख वापस हो जाएगा, नहीं तो 50 हज़ार लगाएंगे तो 1 लाख आपको वापस हो जाएगा। नुकसान नहीं है इसमें। ये जो आजकल का रोना बना हुआ है और बंदे ने रोना डाला हुआ है, ये हो गया जी, वो हो गया, वो इस मसले से आप नेक्स्ट सीज़न में बचे रहेंगे। तो तीसरे नंबर पे यही है कि आप कोशिश करें कि जैसे भी हो सके अभी स्प्लिट जितने भी हैं आपको बाज़ार में सस्ते मिल रहे हैं, तो कोशिश करें स्प्लिट लगाएं, जितने स्प्लिट आप लगा सकते हैं। अभी ये जैसे कि पार ब्लू का एक पेयर है, क्या एक अल्बाइनर है, रेड आई है, ये पेयरिंग भी आप कर सकते हैं, इसमें भी क्रीमिनो डेकिनो निकलता है। तो परिंदे सस्ते होने का ये फ़ायदा आपको हो जाता है, बेनिफिट यही है कि आप ये कि डायरेक्ट बड़े परिंदे जिस तरह अल्बाइनो रेड आई का पेयर अगर आप ब्रीडर अभी लेते हैं, तो ब्रीडर पेयर तो आपको फिर भी ये है कि 18-20 हज़ार के का अपने अपने रेट हैं, कोई 22 हज़ार का, कोई 25 हज़ार का, कोई 15 हज़ार का, 16 हज़ार का दे रहा है, इस तरह तो मुख्तलिफ रेट हैं, अपना अपना हिसाब है हर बंदे का। तो वो लेने से बेहतर है कि आप इसी तरह करें, एक पार ब्लू स्प्लिटिनो 4-5 हज़ार का ले लें, और 8-10 हज़ार का या 11-12 हज़ार का आप अल्बाइनो साथ लगा लें, पेयर भी आपको सस्ता पड़ जाएगा और जो बच्चे ये निकाल के देगा तो वो कम से कम आपका जो है पैसे पूरे बेकार जाएगा, और दूसरा आपको प्रॉफिट भी दे जाएगा, इसमें आपको लॉस नहीं होगा। तो इस तरह के करके आपने यही है कि चलना इस हिसाब से है कि देखभाल के चलना है, किसी की सुनी सुनाई पे नहीं आना है, फिजिबिलिटियाँ वगैरह पे नहीं चढ़ना है। तो
उस हिसाब से आप अपने हिसाब से देखें, जैसे आपका दिल बोलता है आप वैसे बर्ड की फील्ड में आगे आए हैं, अगर आना चाह रहे हैं तो उस तरह चलें, तो फिर इंशाल्लाह देखने की आपसे ऐसे हैं कि फ्रेंड मैं नहीं ये कहता कि आप किसी की ये ऐसी ना सुने, जो आपके फ़ायदे की चीज़ें वो आप सुने, लेकिन आप कुछ अपना भी दिमाग इस्तेमाल कर लिया करें, क्योंकि बंदा एक से दो दूसरे की तीसरे की चौथे की इस तरह करते 8-10 बंदों की अगर वीडियो देखता है, सोशल मीडिया का दौर है तो बंदे को खुद ही समझ लग जाती है यार कि इस टाइम सिचुएशन क्या चल रही है और क्या नेक्स्ट में क्या बनेगा और क्या हिसाब होगा। तो फ्रेंड्स यही है कि आज के लिए ये छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर किसी न्यू नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।